ईसु तू है महा प्रभु ने अपनी असीमित कृपा में हम सबको एक और मौका दिया कि इस तरह से हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु के वचन को खोलकर उसका अध्ययन कर सके। जीवन में ये एक बड़ा भाग्य है कि इस तरह से हम प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु के भक्तों की उपस्थिति में बैठकर अपने आत्मिक जीवन को संवारने की कोशिश करें। मैं पेशे से अध्यापक हूँ और मैंने हर लेवल पर टीचिंग की है, स्कूल लेवल पर भी की है,
विश्वविद्यालय स्तर पर भी की है। जब मैं आज से बहुत साल पहले भौतिकी फिजिक्स लैबोरेटरी में बच्चे एक साथ आकर एक्सपेरिमेंट करते थे, तब एक बात बार बार देखता था। लैबोरेटरी में लगभग एक साथ 35 से 40 बच्चे आते थे और 20 से 30 एक्सपेरिमेंट उनको दे दिए जाते थे। कोई किसी टेबल पर कोई प्रयोग कर रहा है तो दूसरा किसी दूसरे टेबल पर कोई और प्रयोग कर रहा है, तो तीसरा माइक्रोस्कोप से कुछ देखकर नाप ले रहा है, तो चौथा पेंडुलम कितना समय लेता है इसको नाप रहा है। लगभग 2 घंटे एक्सपेरिमेंट करने के बाद छुट्टी के समय बच्चे लोग जो कुछ कर रहे थे उसको खोल खाल कर वहाँ टेबल पर रख कर चले जाते हैं, कुछ चीज़ें लैब असिस्टेंट को दे देते हैं। ये जब मैं पढ़ता था तब भी ये तरीका था और जब मैं पढ़ाने लगा तब भी ये तरीका था, लेकिन एक बार मैंने ध्यान दिया कि मेरे दो विद्यार्थी इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो प्रयोग करने के बाद जो चीज़ लैब अटेंडेंट को दे देना है वो दे देते हैं, बाकी सब खोल खाल कर बाकायदा 2 लाइन में रख कर जाते हैं। बाकी विद्यार्थी तार खोल के कहीं डाल देते हैं, स्क्रू कहीं डाल देते हैं, नट बोल्ट कहीं डाल देते हैं। उन्होंने जिन चीज़ों का उपयोग उस प्रयोग में या उस फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में किया वो सब डाल जाते हैं, लेकिन ऐसा डाल जाते हैं कि टेबल पर हर जगह फैला हुआ है। लोग एक्सपेरिमेंट के बाद जब जाते थे तो सामान सब उनका टेबल पर मिलता था, लेकिन 2 विद्यार्थियों का नज़र आया कि तार स्क्रू नट बोल्ट सब बहुत ही सफाई से 2 लाइन में जमा कर जाते थे। देखने में ही बड़ा अच्छा लगता था, जिस तरह से आपके सामने इस टेबल पर किताबें जमी हुई हैं उस तरह से सब जमे हुए रहते थे। वो कोने में जो किताब बेतरतीब पड़ी हुई है इस तरह से नहीं पड़ा रहता था। बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। और ये दोनों जो भी एक्सपेरिमेंट करें बाद में जाते समय बिल्कुल सारी चीज़ें क्रम से डाल के जाते थे। एक बार मैंने पूछा कि बेटा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तब उन्होंने बताया कि सर वो पुलिस अफसर हैं। पुलिस में कौन से अफसर? जब उन्होंने नाम बताया तब मुझे पता चला कि उस शहर के नामी ग्रामी पुलिस अफसर थे, जो कि बहुत ही अपने अनुशासन के मामले में जाने जाते थे। और बहुत दिन नहीं हुए कि उन्होंने एक बार मुझे अपने घर पे बुलाया। मैं घर पे गया तो घर पे देखा, जाके देखा तो हर चीज़, इवन घर के बाहर जो चप्पलें पड़ी हुई हैं वो लाइन से पड़ी हुई, इधर उधर नहीं। कुत्ता दौड़ के आया तो आपने ध्यान दिया होगा बच्चों के मुंह से लार बहती है, वो उनके कपड़े पे ना जाए उसके लिए उनकी छाती पे एक कपड़ा बांधते हैं जिसे बिब बोलते हैं। कुत्ता आया तो बाकायदा कुत्ते के गले के ऊपर भी बिब बंधा हुआ था। तो उनके घर का अनुशासन ये था कि हर चीज को क्रम से करना है। रिजल्ट क्या हुआ कि बच्चों को बताना नहीं पड़ा कि तुम स्कूल में जाते हो या कॉलेज में जाते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, उसके बाद बाकी चीज़ें क्रम से रख के जाओ। घर पे जो ट्रेनिंग थी उसी हिसाब से वो लोग अपना काम करते थे। मैंने आज ये घटना क्यों बताई, उसके पीछे कारण है। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों और अनुयायियों को एक बात बताई थी, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार नए नियम की पहली पुस्तक है, बाइबल का जो उत्तरार्ध है उसकी पहली पुस्तक है। उसके 6वें अध्याय में हम देखते हैं, जिनके पास बाइबल्स नहीं हैं वो लोग सुन लें, मैं आपको क्लियरली पढ़ के सुनाऊंगा। यहाँ लिखा हुआ है 31वें पद में, इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे।
इसके बाद वाले पद को ध्यान से देखें, इसलिए पहले तुम ईश्वर के राज्य, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। इसका क्या मतलब है? और मैंने जो कहानी सुनाई थी, वास्तविक घटना सुनाई थी, उससे इसका क्या संबंध है? उस घटना में हमने देखा कि हम जो हैं, अपने घर में जो हैं, हमको जो ट्रेनिंग मिली है और हमारे मन में हमेशा ये बात जो रहती है कि मैं इस शहर के नामी गिरामी पुलिस अफसर का बेटा हूँ या बेटी हूँ, और मेरे पिताजी ने शुरू से मुझे ट्रेनिंग दी है कि जो करो उसको क्रम से करो। दो तरीके से काम किया जा सकता है, एक तो उसको क्रम से करें, दूसरा कि ऐसे तैसे किसी ना किसी तरह से काम को कर दें। फर्क पड़ता है ना? एक बर्तन में मान लीजिए 40 लड्डू एक साथ डाल दिए जाएं और उसी 40 लड्डू को बाकायदा गोलाई में जमा कर रखा जाए और आपके सामने परोसने के लिए लाएं, तो कौन सी थाली आपको पसंद आएगी? वो थाली या वो प्लेट आप पसंद करेंगे जिसमें लड्डू क्रम से जमे हुए हों। जीवन में क्रम का बहुत महत्व है। और ये बच्चे जिनकी कहानी मैंने सुनाई थी, ये एक ऐसे घर से आए थे जहाँ हर चीज़ क्रम से होता था, इसलिए घर के बाहर जब वो जाते थे तब भी उनके जीवन में वही क्रम दिखता था, जो इस बात को याद दिलाता है कि हम जो हैं वो हमारे व्यवहार में दिख जाता है। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, हम जो हैं अंदर से वो हमारे व्यवहार में दिख जाता है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को जब उनसे बात कर रहे थे, तब प्रभु अपने शिष्यों को बता रहे थे कि देखो, तुम सब जीवन में कई बातों के लिए फिक्र करते हो। यहाँ शिष्य से मेरा मतलब प्रभु के सिर्फ 12 शिष्य नहीं, प्रभु ने 3.5 साल इस संसार में जो सेवा की थी उस समय हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए थे और रोज उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए आते थे। तो जब वो लोग प्रभु के सामने बैठे तो प्रभु ने कहा, देखो, हर आदमी के जीवन में भोजन की फिक्र होती है, कल भोजन कहाँ से आएगा, इसलिए हम कितनी मेहनत करते हैं। तो प्रभु ने यहाँ पर उनको स्पष्टतया बताया, देखिए, कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, तीन बातों के बारे में प्रभु ने यहाँ बताया कि तुम सबके मन में इस बात की फिक्र रहती है कि भोजन क्या होगा और क्या पिएंगे। आजकल इस समाज में तो अपन भोजन के साथ पानी पीते हैं, उस जमाने में उनको वो क्या पिएंगे इसका भी ख्याल रखना पड़ता था, क्योंकि मध्य पूर्व जहाँ पर यह घटना हुई थी वहाँ के मौसम के हिसाब से सिर्फ जल का सेवन पर्याप्त नहीं था, भोजन के साथ साथ वो लोग एक विशेष प्रकार का अंगूरी शरबत बनाकर घर में स्टोर करते थे, बड़े बड़े मर्तबानों में, बड़े मटकों में स्टोर करते थे खाने के साथ, उस अंगूरी शरबत का पेय भी वो लोग करते थे। तो आजकल तो अपन पीना हो तो जाके पानी पी लेते हैं, उसके लिए कोई फिक्र नहीं करते हैं, लेकिन उस जब प्रभु ने ये घटना बताई थी तब इवन भोजन के साथ जो पीने की सामग्री है उस सामग्री के बारे में उनको फिक्र करना पड़ता था। तो प्रभु ने कहा, देखो, तुम भोजन की फिक्र करते हो, कपड़े की फिक्र करते हो, अपना जो समाज है इसमें बहुत सारे विद्वानों ने इस बात को याद दिलाया है कि एक औसत आदमी के जीवन में तीन चीज़ों की उसको बहुत फिक्र रहती है, और हिंदी में वो तो बहुत ही प्रसिद्ध एक वाक्य है, रोटी कपड़ा मकान। ये सब लोग अपने जीवन में ये मेहनत जो करते हैं वो इसी के लिए तो करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, बाकी तो सब कुछ सेकेंडरी है, दूसरा है। बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप क्यू में ले जाकर, बाकायदा क्यू में खड़े होकर
कई अच्छे स्कूलों में तो रात रात भर उनको क्यू में खड़ा होना पड़ता है, लाइन में खड़ा होना पड़ता है, एक फॉर्म मिल जाए उसके लिए। और यदि 50 सीट हो तो उसके लिए 500 फॉर्म बंटते हैं। उसके बाद बाकायदा माँ बाप का इंटरव्यू होता है, बच्चों का इंटरव्यू होता है, तब एडमिशन होता है। बच्चों के एडमिशन के लिए माँ बाप इतने परेशान क्यों होते हैं? माँ बाप ये सोचते हैं कि यदि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ जाएंगे तो उनको अच्छी नौकरी मिलेगी, और यदि उनको अच्छी नौकरी मिलेगी तो जिंदगी भर उनको रोटी कपड़ा मकान के लिए फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, और यदि उनको रोटी कपड़ा और मकान के लिए फिक्र नहीं करनी पड़ेगी तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हमारे बच्चे हमारा भी ख्याल रखेंगे। जिस कारण जब हम ऐसे उम्र में पहुंच जाएंगे जब हमारी अपनी कोई आमदनी नहीं है तो बच्चे हमारा ख्याल रखेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो मनुष्य कठिन परिश्रम करता है। बच्चा पैदा होने से पहले आजकल कई स्कूलों में रजिस्टर हो जाता है ना, ये सब किस लिए होता है, ये सब क्यों करना पड़ता है? इन तीन चीजों के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए। आज प्रभु की वाणी जो भाई और बहनें सुन रहे हैं, ये लोग रोटी कपड़ा मकान के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अपने घर, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवारों को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर आकर यहाँ कठोर परिश्रम कर रहे हैं, जिससे कि हजारों किलोमीटर दूर आपका परिवार पल सके या परिवार को सपोर्ट मिल सके। और इस कारण मैं आज रोटी कपड़ा मकान के बारे में जो बात बोल रहा हूँ, ये आप सब लोग मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं कि इन चीज़ों की फिक्र करना हम सबके लिए जरूरी है। लेकिन प्रभु एक बात याद दिलाना चाहते थे, मेरे बच्चे यदि तुम मेरी संतान हो तो तुमको इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना चाहिए, और वो यह है कि तुमको जीवन में बहुत सारे चीजों की खोज है, बहुत सारे चीजों को तुम पाना चाहते हो, लेकिन उसमें भी एक क्रम है, उस क्रम को जरा अच्छी तरह से समझ ले मेरे बेटे मेरे बेटी। और प्रभु ने वो क्रम इस तरह से कहा, पहले प्रभु के राज्य को और प्रभु के धर्म की खोज करो तो ये सारी चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। मतलब यदि हम अपने जीवन को सही रीति से ऑर्डर करें, मतलब जो पहले आना है उसको पहले रखें, तो बाद में जो आना है वो प्रभु मदद करेंगे कि वो भी आ जाए। और इसलिए आज शाम को प्रभु के इस संदेश को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, पहले प्रभु के राज्य और प्रभु के धर्म की खोज करें। आज से बहुत साल पहले मेरी बड़ी इच्छा हुई थी कि टाइपराइटिंग सीखें, मुझे उससे बहुत फायदा हुआ, ये भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 8वीं में था, पिताजी ने सामने ले जाके टाइप इंस्टीट्यूट में भर्ती करवा दिया, तो वहाँ टाइप इंस्टीट्यूट में कम से कम 20 टाइपराइटर रखे हैं, मैं तो था सबसे जूनियर, कीबोर्ड भी उस पे हाथ रखना भी मेरे लिए मुश्किल था। बगल में बैठ के लोग ऐसा टाइप कर रहे थे कि जैसे कोई मशीन चल रही हो, आवाज सुनने में ही बड़ा अच्छा लग रहा, ठा 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 ठा, क्या आवाज है। बस एक नादान बच्चा, मुझे क्या लगा कि बस मशीन के सामने बैठ गए तो अपन भी इसी तरह से टाइप करना स्टार्ट कर देंगे। पहले दिन उन्होंने मुझे बताया कि ASDFG सेमी कॉलन टाइप करो, तो पहले दिन तो स्थिति यह थी कि आप की प्रेस करें तो दो दो वो आगे बढ़ जाए, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा। लेकिन एक 8वीं क्लास का एक नादान बालक, मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि सीखने का एक क्रम है, उस क्रम से सीखो तभी तुम टाइप सीख पाओगे। मुझे कई बार मेरे अध्यापक ने बताया कि तुम थोड़ा सा वेट करो, जल्दबाजी मत करो, मैं तुमको जो बता रहा हूँ ये करो। मैं हमेशा उनसे पूछता था कि देखिए वो लोग कैसे तेजी से टाइप कर रहे हैं, मैं भी वैसा करना चाहता हूँ। तो वो बार बार याद दिलाते थे, बेटा सब्र करो,
मैं जो तुमको फर्स्ट लेसन्स दे रहा हूं इसको करो। मेरा मन मचलता था, नहीं 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 मैं वैसा टाइप करना चाहता हूं। रिजल्ट क्या था कि जब वो सामने खड़े होते थे तो मैं आराम से ए एस डी एफ जी टाइप करता था, और अध्यापक इधर या उधर मुड़े तो मैं फिर सामने किताब रख के उसको टाइप करने की कोशिश करता था। 2 हफ्ते के बाद फादर ने पूछा, मेरे फादर तो उसमें एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट स्टेनोग्राफर थे, टाइपिस्ट भी थे, शॉर्ट हैंड भी उन्होंने सीख रखा था, आज तुमने क्या टाइप किया? तो उन्होंने कागज देखा तो वो बोले कि ये क्या तमाशा है, पहली लाइन में तो ए एस डी एफ जी है और दूसरी लाइन में तुम कुछ और लिख रहे हो। तो पहले तो मैंने खूब बहाना बनाया, उसके बाद फिर फादर के सामने मानना पड़ा कि मैं किताब टाइप कर रहा था। फादर ने सर पकड़ लिया कि अरे तुझसे कहा था कि जो पहले पार्ट है उसको जरा क्रम से कर लो। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, ऐसे ही करूंगा। अगले दिन से फिर से मैं क्रम से करने लगा, आदत से मजबूर था। दूसरे तीसरे दिन फिर से जो है मैं वापस अपने ढर्रे पर आ गया। फादर को ये बात पता चल गई, फादर ने कहा कुछ नहीं, तुमसे आत्मनियंत्रण नहीं हो पा रहा है और इस कारण तुम जीवन में कभी टाइप नहीं कर सकते, और आज से टाइप बंद। उन्होंने टाइप बंद करवा दिया। परेशानी क्या थी, 8वीं क्लास का बच्चा था, मुझे लगता था कि सारी दुनिया मैं पा लूंगा, मुझे लगता था सारी दुनिया में सब लोग जो करते हैं कितने आसानी से कर लेते हैं, मैं भी कर लूंगा। ये बात मैं नहीं जानता था कि उसके पीछे यदि बड़ई बहुत ही सफाई से लकड़ी को काट रहा है तो उसके पीछे कम से कम 10 या 20 साल का अभ्यास है। यदि कोई बहुत ही सफाई से टाइप कर रहा हो, तेजी से टाइप कर रहा हो, तो उसके पीछे महीनों और सालों का अभ्यास है। नहीं जानता था मैं, इस कारण मैं नहीं कर पाया। इसके बहुत साल बाद जब मैं एमएससी प्रीवियस में पहुंचा, तब तक थोड़ी बहुत अकल आ गई थी, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत अकल आ गई थी। मैंने फिर बिना फादर की मदद से बाकायदा जाके एक टाइप इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। उन्होंने कहा हफ्ते भर टाइप करो ये पहली लाइन, तो मैंने कम से कम 2 हफ्ते टाइप किया। इस तरह से आराम से उन्होंने जो कुछ कहा था उस क्रम के अनुसार किया, और आज स्थिति यह है कि मैं घर पे बैठ के जब कंप्यूटर पे टाइप करता हूँ, 10 उंगलियाँ यूज़ करता हूँ, बहुत स्पीड के साथ टाइप करता हूँ। मेरे मन में जो आइडियाज आते हैं वो सब बिना कागज़ कलम के सीधे कंप्यूटर पे टाइप करता हूँ। दोनों में क्या फ़र्क था? पहला अनुभव, मैं अज्ञान था और इस कारण मैंने ये नहीं समझा कि हर चीज़ के क्रम है। दूसरे में मैं समझ गया था, इसलिए क्रम से किया। प्रभु यीशु, आज यहाँ पर जितने भाई और बहन बैठे हैं उन सबको याद दिलाना चाहते हैं कि यदि आपका जीवन, यदि आप चाहते हैं कि सफल हो जाए, तो आपके जीवन में घोड़े को ले जाकर तांगे के पीछे बांधने के बदले घोड़े को लेकर तांगे के आगे बांधो, तब तांगा आगे बढ़ेगा। इंजन को ले जाकर रेलगाड़ी के पीछे नहीं, रेलगाड़ी के आगे लगाओ। इसी तरह से मेरे और आपके जीवन में प्रभु ने एक क्रम रखा है, और वो क्रम यह है कि पहले प्रभु के राज्य और प्रभु के धार्मिकता की खोज करें। राज्य और धार्मिकता की खोज का क्या मतलब है? मतलब मैं समझाता हूं। प्रभु यीशु ने यह बात बहुत साफ साफ बताई थी कि इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है वो पापी है, और वो अपना स्वयं का उद्धार या अपने स्वयं की मुक्ति नहीं कर सकता। प्रभु ने यह भी बात बताई थी कि वे इस संसार में इसलिए पधारे कि वे पापियों के लिए अपना जीवन दें, और प्रभु ने यह भी बात बताई थी कि जीवन देने के बाद मैं पुनर फिर से जीवित हो जाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। और उसके बाद प्रभु ने कहा मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमको एक नया जीवन दूंगा, मैं तुमको अपने बच्चे बनाऊंगा। ना केवल ये, जब तुम इस संसार को छोड़ जाओगे तो मैं तुमको अपने पास ले जाऊंगा,
और जो लोग इस संसार को छोड़ नहीं जाएंगे, जब समय आ जाएगा तो मैं इस संसार में वापस आऊंगा और जो संसार में मेरे बच्चे हैं उन सबको मैं अपने साथ ले जाऊंगा, जिससे कि वे लोग सदा सर्वदा मेरे साथ रहें। यह है प्रभु का राज्य। मतलब मुझे और आपको, मेरे और आपके जीवन में नंबर वन महत्व इस बात को देना है कि हम भविष्य में प्रभु के साथ रहेंगे और उसके लिए जो भी तैयारी करनी है वो तैयारी हम करते रहें। दूसरी बात प्रभु ने कहा स्वर्ग कि स्वर्ग के राज्य और स्वर्ग के धर्म की खोज करो। इसका क्या मतलब है? स्वर्ग के धर्म का मतलब ये है, हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन में पवित्र होना चाहता है, मन से गलत बात सोचना पसंद नहीं करता है, गलत वाणी हम नहीं चाहते हैं, गलत कर्म हम नहीं चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम में से कितने लोग हैं जो लोग अपनी अपने मन को पूरी तरह से शुद्ध रख सकते हैं, जो अपनी वाणी को पूरी तरह से शुद्ध रख सकते हैं, जो अपने कर्मों को पूरी तरह से शुद्ध रख सकते हैं? मुश्किल है। लेकिन हर प्रभु के हर बच्चे के जीवन में ये जरूरी है कि वो इन बातों को समझकर प्रभु के राज्य जहां हमको जाना है और प्रभु का धर्म मतलब एक पवित्र जीवन जो हमको जीना है, इन दोनों चीजों को खोजें। और जब हमारे जीवन में क्रम ये हो जाएगा कि मैं प्रभु का बच्चा हूं, मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूं, तब जीवन में बाकी जो कुछ चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब भी प्रभु देंगे। ये है प्रभु के कहने का मतलब। क्यों ये बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ? इसलिए याद दिलाना चाहता हूँ कि यदि हम चाहते हैं कि मेरा आपका जीवन सफल हो, तो मुझे और आपको दो बातें याद रखनी पड़ेंगी। पहली बात ये कि हम इस संसार के बच्चे नहीं हैं, हम संसार में रहते हैं लेकिन ये हमारा राज्य नहीं है, ये हमारा घर नहीं है, ये संसार में हमारे आसपास जो लोग हैं ये वो लोग नहीं हैं जिनके साथ हम अनंत काल में रहेंगे, बल्कि अनंत काल में हम जब प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे तब हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, जो ईश्वर के राज्य की खोज में थे, जिन्होंने ईश्वर को पा लिया और जो ईश्वर की धार्मिकता को खोज रहे थे और जिन्होंने अपने जीवन में उस धार्मिकता को दिखाया है। तो आज शाम को जो दो बातें मैं आपको याद दिलाना चाहता था वो ये है कि हो सकता है आज से महीने भर पहले या साल भर पहले या 10 साल पहले आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुक्तिदाता को ग्रहण करने के बाद, प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने के बाद, प्रभु के बच्चे बन जाने के बाद, प्रभु इस दुनिया से इमीडिएटली आपको ले नहीं जाते हैं, आपको यहाँ छोड़ देते हैं। उसके पीछे एक कारण है, एक पर्पस है, एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य ये है कि यहाँ हर दिन आप इस बात को याद करते हुए जिए कि मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं उस संसार का नागरिक हूं, मेरा घर वो है और वहां के जो नियम और कायदे हैं उसके अनुसार मुझे यहां पर जीना है, जीवित रहना है। जिस तरह से मैंने बताया था वो दो बच्चे जो घर पे उनको जो क्रम सिखाया गया था वो क्रम उनके जीवन के हर पहलू में आ गया था, यहां तक कि वो लोग किसी चीज को डाल कर जाते थे तो उसको भी लाइन में जमा करके जाते थे, उसी तरह से मुझे और आपको जिन्होंने अपने जीवन में मुक्ति का अनुभव पाया है, मुझे और आपको ये बात हर दिन याद रखनी चाहिए कि इस संसार में हमारा जीवन सफल हो उसके लिए जरूरी है कि मैं और आप इस बात को याद रखें कि हम इस संसार के लिए बनाए नहीं गए हैं, ये हमारा घर नहीं है, हम उस स्वर्गीय देश के नागरिक हैं और इस कारण उस स्वर्गीय देश के जो नियम और कानून हैं
उस स्वर्गीय देश की जो धार्मिकता है उसके अनुसार जीवित रहने के लिए प्रभु ने हमको आदेश दिया है। प्रत्येक दिन जब आप सुबह उठते हैं प्रिय भाई या बहन, आपको कम से कम 2 मिनट बिस्तर छोड़ने से पहले सोच लेना चाहिए, आज मुझे क्या क्या करना है। स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, नौकरी के लिए जाना है, आज छुट्टी है, फलाने मित्रों से मिलना है, आज संडे है, शाम को प्रभु की सभा में जाना है, सब बातों को जरा सोचें। सोचने के साथ साथ एक बात जरूर सोचें, मैं आज इन कार्यों को जो करूंगा तब मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं इस संसार का नागरिक नहीं हूँ, मैं प्रभु का बच्चा हूँ, और इस कारण मैं जो कुछ आज करूँगा वो इस तरह से करूँगा कि संसार के लोग कहें कि अरे ये व्यक्ति विशेष है, इसका स्वभाव विशेष है, इसके सोचने का तरीका विशेष है, इसके काम करने का तरीका विशेष है, इवन इसकी बोली विशेष है। जब इस तरह से आप बिस्तर से उठने से पहले इस तरह से जब सोच लेंगे तो उस दिन आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपको याद रहेगा, मैं इस संसार का नागरिक नहीं हूँ, मैं उस राज्य का हूँ और उस राज्य के हिसाब से मुझे इस राज्य में जीवन बिताना है, ना कि इस राज्य के नियमों के अनुसार। रात को बिस्तर पर जाने से पहले बाइबल पढ़ना, प्रार्थना आदि के बाद, या बेहतर हो उसके पहले एक 2 मिनट फिर से जरा सोच कर देखें, आज दिन भर 10 या 12 घंटे मैं लोगों के बीच में था, मेरा साथी वो मुझे तंग कर रहा था लेकिन नाराज होकर उससे बात करने की ज़रूरत नहीं थी, उसको गाली देने की ज़रूरत नहीं थी, उसको डांटने की ज़रूरत नहीं थी, प्यार से मैंने यदि समझा दिया होता कि देखो तुम जो कर रहे हो उससे मुझे परेशानी आ रही है तो शायद वो मान गया होता, शायद थोड़ी सी और कड़ाई से मैं बोलता तो मान गया होता, लेकिन इस तरह से गलत तरीके से मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो हम लोग ये आदत बना लें कि सुबह उठकर बिस्तर छोड़ने से पहले इस बात को सोच लें, मैं उस संसार का नागरिक हूँ, मेरा घर वो है और उस कारण मैं यहाँ पर आज जो भी व्यवहार करूँगा वो मेरे घर के नियमों और कायदे के अनुसार होना चाहिए। जब हम सुबह सोच लेंगे, दिन भर वो सोच हमारे साथ रहे, शाम को हम जरा एक बार उसको जांच कर देख लें कि आज मैं ऐसा कर सका क्या, मुझसे जो बातें गलत हो गई हैं उसके बाद प्रार्थना में आप प्रभु को, प्रभु से याचना करें, प्रभु आज मुझसे गलती हो गई, कल मेरी मदद कीजिए कि मैं इस तरह से ना करूं। इस तरह से जब दैनंदिन प्रतिदिन हम अपने जीवन के बारे में सोचने की आदत डाल लेंगे तो आप स्वयं पाएंगे कि आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा, बदलाव आने लगेगा। क्यों? इसलिए कि आपको क्षण प्रति क्षण ये बात याद रहेगी कि मैं उस संसार का नागरिक हूं, मैं उस संसार के नियमों और कानूनों के अनुसार चलने के लिए बाध्य हूं। इस दुनिया के लोग उन नियमों और कानूनों को तोड़ सकते हैं लेकिन नहीं, मैं ईश्वर का बच्चा हूं, मैं उन नियमों और कानूनों को नहीं तोड़ूंगा। जब इस तरह से हम सोचने लगते हैं तो हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है, हमारी बोली बदल जाती है, हम जो काम करते हैं वो बदल जाता है। यह है प्रभु के कहने का मतलब। अब सवाल यह है कि प्रभु के राज्य और प्रभु के धर्म के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी? प्रभु के राज्य और प्रभु के धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए ही तो प्रभु ने अपना वचन हम में से हर व्यक्ति को अपनी भाषा में दिया है। आज भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में बाइबल उपलब्ध है, जो प्रमुख भाषाएं नहीं हैं उनमें भी बहुत सारे पोर्शन इसके उपलब्ध है, और इसलिए आप में से हर व्यक्ति को अपनी अपनी भाषा में बाइबल प्राप्त करके उसको नियमित रूप से पाठ करना जरूरी है, जिससे कि प्रभु के राज्य और प्रभु के धर्म के बारे में प्रभु ने जो लिखकर हमको दिया है वो जानकारी हमको मिल सके। तो ये 2 बातें थी जो मैंने आपको बताई। नंबर 1 प्रभु के राज्य की खोज करें, नंबर 2 प्रभु के धर्म की खोज करें। लेकिन एक तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ,
अभी तक मैं उन लोगों से बोल रहा था जो ऑलरेडी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं, और चूंकि आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया है इसलिए आप ऑलरेडी उस राज्य के सदस्य हो गए हैं, और आप चूंकि उस राज्य के सदस्य हो गए हैं इस कारण बार बार उस राज्य के बारे में सोचना और उस राज्य के नियम कायदों के बारे में सोचना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आज इस सभा में ऐसे भी कई लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने कभी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है। ये लोग बाहर खड़े होकर उस राज्य को देख रहे हैं। उन लोगों से मुझे चार शब्द बोलना है। हम खुद इस अनुभव से होकर गुजरते हैं, जब एक 50 अंग्रेज एक साथ मान लीजिए किसी जगह खड़े हुए हैं तो उनको देखने से ही हमको पता चल जाता है कि हाँ ये किसी और राज्य से आए हैं। उसी तरह से मैं याद दिलाना चाहता हूँ आज इस सभा में ऐसे कई भाई और बहन हैं जो ऑलरेडी इस संसार के राज्य को छोड़कर, वो रहते यहाँ हैं लेकिन इस संसार के राज्य को छोड़कर आसमानी राज्य के सदस्य बन चुके हैं प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने के द्वारा। तो यदि आप उस राज्य के सदस्य नहीं हुए हैं तो अभी भी आप बाहर खड़े हुए हैं, जिस तरह से हम उन विदेशियों को देखते हैं आप उन लोगों को देख रहे हैं जिन्होंने उस राज्य की सदस्यता प्राप्त कर ली है, जो उस राज्य के नियमों के अनुसार चलते। उन भाई और बहनों से मुझे चार शब्द कहने हैं और वो ये है कि प्रिय भाई और बहन, मनुष्य को ईश्वर ने इस संसार में इसलिए रखा कि मनुष्य ईश्वर के साथ संगति में रहे। कई लोग ईश्वर को बहुत कड़ा सजा देने वाला व्यक्ति समझते हैं, जो जिम्मेदार है उसको कड़ाई और सजा वगैरह देनी पड़ती है, लेकिन ईश्वर का मुख्य लक्ष्य नहीं है। ईश्वर का मुख्य लक्ष्य है, प्रभु का मुख्य लक्ष्य है आपको एक नया जीवन देना। नए जीवन की जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है वो बचपन से बिना किसी के बताए हुए गलत काम करता है, पाप करता है, और इसलिए उस पाप से उसको मुक्ति की जरूरत है। पाप की सजा ही तो है जो आज मनुष्य अपने स्वयं के जीवन में देख रहा है। प्रभु का वचन याद दिलाता है पाप की सजा मृत्यु है, लेकिन प्रभु का वचन ये भी याद दिलाता है कि प्रभु हमको शाश्वत जीवन, कभी ना समाप्त होने वाला जीवन देने के लिए ही इस संसार में आए थे। तो यदि मेरे प्रिय भाई या बहन, यदि आप आज उस राज्य के सदस्य नहीं हैं, यदि आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके मुक्ति नहीं पाई है, उद्धार नहीं पाया है, तो आज इस शाम को इस हॉल को छोड़कर जाने से पहले प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके प्रभु के बच्चे बनकर उस आसमानी वो बादशाह जो है उसके सदस्य बनने के बाद ही यहाँ से जाएं, ये मेरा अनुरोध है। आप कहेंगे शास्त्री सर आप ये जो बात कह रहे हैं मेरे लिए तो एकदम नई बात है, मैं इसे नहीं समझ पा रहा। कोई बात नहीं है, हम में से हर व्यक्ति पहली बार जब किसी बात को सुनता है तो उसको वो बात समझ में नहीं आती है, लेकिन चार बार सुने, ध्यान से सुने तो वो बात समझ में आ जाएगी। और इन बातों को आपको समझाने के लिए यहाँ कई भाई और बहन लोग बैठे हुए हैं, वो हफ्ते दर हफ्ते इस हॉल में इसलिए आते हैं कि कोई भी उनसे पूछे तो इन बातों को बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझा दें। और इस कारण आज प्रभु ने आपको स्पर्श किया है, मुझे मालूम है, इस हॉल को छोड़कर जाने से पहले इन भाई और बहनों से पूछकर प्रभु यीशु के द्वारा जो मुक्ति मिलती है उस मुक्ति को पाकर ही इस हॉल से जाएं। मैंने आज जो तीन बातें बताई थी उनको एक बार और फिर से दोहरा कर देखें और जीवन में उसका क्या प्रभाव होना चाहिए इसको देखें। नंबर वन, जिन लोगों ने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है उनमें से हर व्यक्ति को अपना जीवन, प्रतिदिन का जीवन यह सोचकर ऑर्डर करना चाहिए, यह सोचकर क्रमबद्ध करना चाहिए कि मैं इस संसार का नागरिक नहीं हूँ,
ये प्रभु ने शरीर मुझे क्षण भर के लिए दिया है, जिससे कि मैं इस शरीर का, इस मन का और इस वाणी का उपयोग इस तरह से करूं कि मैं जब उस संसार में जाऊं तो प्रभु के नाम की महिमा हो। क्या आज जो भाई बहन प्रभु के वचन, प्रभु का वचन, प्रभु की वाणी सुन रहे हैं, क्या आप यह कह सकते हैं कि मैं ब्रदर इस तरह का जीवन बिताता हूं कि मैं निश्चित रूप से कहता हूं, कह सकता हूं कि प्रभु के नाम की महिमा होती है, या मैं इस तरह का जीवन बिताता हूं कि मैं इवन जो चीजें फालतू रख के जाता हूं उसको देख के भी लोग कहते हैं अरे बाप रे क्या ये व्यक्ति तो विशेष है। मेरे कहने का मतलब, मेरे आपके जीवन की ऑर्डिनरी बात, सामान्य बातों को देखकर दूसरे लोग ये समझ सकते हैं क्या कि आप इस संसार के नहीं हैं? आप कहेंगे सामान्य बात क्या, अरे आप बाजार जाएं तो आपके हाथ का थैला यदि किसी ने खोल कर देख लिया तो उस बात को ये लगना चाहिए कि ये थैला जिसका भी था वो प्रभु यीशु की संतान है। यदि कोई व्यक्ति आपके लिविंग रूम में आ जाए तो दूसरों के लिविंग रूम के समान यदि वहां कुर्सियां हैं, मेज है, सब कुछ है, इसके बावजूद जब वो चारों तरफ एक नजर डाल ले तो उसको मालूम होना चाहिए, मालूम हो जाना चाहिए कि ये प्रभु यीशु के एक संतान, प्रभु यीशु के एक बच्चे का घर है। पहले जब हम उसके राज्य की खोज करेंगे, वाकई में खोज करेंगे, तो उसका रिजल्ट हमारे इस जीवन में होगा, इस हम जाने हम ना चाहते हुए भी हमारे इस जीवन में होगा। और जो पहले उसके धार्मिकता की खोज करेगा उसका जीवन धीरे धीरे बदल जाने लगेगा। लोग कहेंगे कि अरे कल तक तो तुम और तरीके से बोलते थे, आज तो तुम्हारी बोली बदल गई है। यस, जब हम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करेंगे तब ना केवल हमारी बोली बदल जाएगी, हमारा सोच बदल जाएगा, हमारी बोली बदल जाएगी, हमारे कर्म बदल जाएंगे, और इवन यदि आपका थैला कोई खोल कर देखता है तो वो समझ जाएगा कि ये तो प्रभु यीशु का बच्चा है। तीसरी बात, यदि आज इस सभा में यदि ऐसा कोई भाई या बहन है जो इस आसमानी संसार का सदस्य नहीं हुआ है तो मेरा अनुरोध है प्रिय भाई, उसके लिए कोई फीस नहीं है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, प्रभु आपको एक गिफ्ट, एक वरदान के रूप में देना चाहते हैं, उसको पाने में क्यों हिचक रहे हैं? कौन है जो दुनिया में सर्वोत्तम जब उसको मिल रहा है तब उसको मना कर देता है? इस कारण इन तीनों बातों को अच्छी तरह से याद रखने के लिए और मेरे और आपके जीवन में इसका क्या असर होता है, होना है, होगा, इन बातों को सोचकर अपने जीवन को सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से चलाने के लिए प्रभु हम में से हर व्यक्ति की मदद करे। आज प्रभु ने इस तरह से आने के लिए जो मौका दिया उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। अपने दोस्तों को भी, अपने मित्रों को भी अपने साथ लाइए। कारण क्या है? कारण यह है कि पहले हम जब प्रभु के राज्य और प्रभु की धार्मिकता की खोज में रहते हैं और वाकई में यदि हमने समझ लिया है तो हमारी कोशिश होगी कि हमारे मित्र, अड़ोसी पड़ोसी सब उसी सच्चाई को जान सकें। आइए आँखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना में इस सभा को समाप्त करें। हमारे आसमानी पिता परमेश्वर, आपकी दया और कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने अपने वचन से हमको याद दिलाया कि हम इस दुनिया के सदस्य नहीं हैं। इस दुनिया में हम कुछ क्षण के लिए उस आसमानी बादशाहत से भेजे गए हैं जिससे कि यहाँ हम वहाँ की धार्मिकता को दिखा सकें। ऐसी धार्मिकता के साथ जीवन बिताने के लिए हम में से हर एक की मदद कीजिए। इस सभा में यदि कोई भाई या बहन है जिसने आज तक उस आसमानी बादशाहत को नहीं पहचाना है, उसका सदस्य नहीं हुआ है, तो उस भाई या बहन की मदद कीजिए कि वे
प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके उस आसमानी बादशाहत के सदस्य बन सके। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं। इन सभाओं को आपके हाथ में देते हैं। इन सभाओं पर अपना अनुग्रह दीजिए। हम में से हर व्यक्ति पर अपना अनुग्रह दीजिए कि हम इस संसार में आपके प्रतिनिधियों के समान जीवन बिता सकें, क्योंकि धन्यवाद के साथ ये सारी बातें हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।